ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का दिया क्या गया है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर्स एंड 3/8 आवर। समझे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है टाइम। जो जो लार्जर टैप है वो 10 आवर कम लेता है, लेस, जो बड़ा टैप है वो कम लेता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं और फिगर से चीज़ें विजुलाइज अच्छे से हो जाएंगी। तो एक तो हमारा है टैंक, कुछ इस प्रकार से एक हमारा टैंक है और उसमें जो दो टैप हैं आपके, कुछ इस तरह से दो टैप लगा रखे हैं, एक का जो डायमीटर है वो कम है, ये कुछ इस प्रकार से एक टैप हो गया और एक टैप और है जिसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, कुछ इस प्रकार से इसका जो डायमीटर है वो कुछ ज़्यादा है और ये जो है पानी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास दो टैप हैं, एक तो बड़ा टैप है, एक छोटा टैप है। तो ये हमारा जो टैप है इसको टैप वन कह देते हैं, इसको हम टैप टू कह देते हैं। और जो जो टैप टू है ये 10 घंटे कम समय लेता है, उसने बोला है सेपरेटली, मतलब अगर अकेला केवल इसको चलाया और अकेला इसको चलाया तो इसका जितना भी समय लगेगा उससे 10 घंटे कम लेगा ये बड़ा टैप, इसने ये बोला है, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको ये समय निकालना है कि अकेले अकेले ये कितना समय लेंगे, ये आपको इसमें पता करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली उसने बोला टुगेदर, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अकेले अकेले इनका इंडिविजुअल का टाइम मान लेते हैं, कुछ इंडिविजुअल का, कि टैप वन लेट या फिर जो स्मॉलर डायमीटर है, टैप वन हमने फिगर में बनाई दिया है तो फिगर के अकॉर्डिंगली भी आप बोल सकते हैं, लेट टैप वन टेक्स टाइम इक्वल्स टू एक्स, इसका तो एक्स ले लिया, और टैप टू जो है उसका टाइम ले लिया वाई। अब ऑब्वियसली आपका जो एक्स है वो टाइम आपका ज्यादा ले रहा है, इसका समय ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स दैट एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, आप देख सकते हो, क्योंकि छोटा टैप है तो समय ज़्यादा ले रहा है, तो एक्स का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। अब उसने एक बात बताई है कि ये 10 घंटे कम लेता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्स माइनस वाई करूँ तो कितना होगा, 10। ये 10 कैसे पकड़ा, ये 10 यहाँ से पकड़ा है, यहाँ तक समझ आ गई बात की नहीं, अच्छा ये हमारा टाइम का हो गया। अच्छा अब एक चीज़ और, अब ये दोनों के दोनों साथ में चला दिए, तो अगर मान लीजिए एक, इस पहले टैप वन की बात करता हूँ मैं, टैप वन आपका एक्स घंटे में फिनिश करता है, तो एक घंटे में इसने कितना पार्ट फिनिश किया होगा, ये इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि एक घंटे के अंदर उसने कितना पार्ट फिनिश किया होगा, ये समझने वाली चीज़ है। इन 1 आवर टैप वन फिल 1/x पार्ट ऑफ टैंक। अब ये चीज सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि ये मैंने कैसे लिखा। देखिए एक बात सिंपल सी है, अगर कोई टैप 2 घंटे में आपका टैंक भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आधा भरेगा ना, 1/2। इसी तरह से सोचिए अगर कोई टैप जो है आपका 4 घंटे में फिल करता है तो 1 घंटे में कितना भरा होगा उसने, 1/4 पार्ट भरा होगा। इसी तरह से अगर x में भरा होगा पूरा टाइम, अगर उसका x है, अभी टाइम नहीं पता मैं, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट ही तो भरा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली, ठीक है। तो सिमिलरली आपका जो ये जो टैप टू है, इन 1 आवर टैप टू फिल कितना पार्ट करेगा ये, क्योंकि y टाइम ले रहे हैं हम इसमें, 1/y पार्ट ले लेगा, तो 1/yth पार्ट फिल करेगा ये, yth पार्ट ऑफ टैंक। अब ये दोनों के दोनों साथ चला दिए तो दोनों का पार्ट ऐड हो जाएगा कि नहीं, अगर एक घंटे की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों टैप का पार्ट ऐड हो जाएगा। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये दोनों इकट्ठे चला दिए, अब हम इस सिचुएशन को लिखने जा रहे हैं,
इस सिचुएशन से इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इकट्ठे चला दिए तो एक घंटे में वन अपॉन एक्स पार्ट तो टैप वन ने भरा होगा प्लस वन अपॉन वाई पार्ट आपका टैप टू ने भर दिया होगा टैंक का, राइट। अच्छा एक चीज उसमें और दी गई है कि ये मिलके दिस मच टाइम, अच्छा ये जो आपका है पहले इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो 8 9 72 72 तो ये 75/8 हो जाएगा, 75/8, ठीक है। अच्छा ये मिलके 75/8 में करते हैं तो एक घंटे में इन्होंने मिलके कितना किया होगा, 1/8 यानी कि 8/75 किया होगा उन्होंने मिलके, तो दैट मीन्स मिलके तो आप एक तरफ ये भी देख रहे हो तो यानी कि ये चीज आपके बराबर किसकी होनी चाहिए, 8/75 की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर आप इस इक्वेशन तक आ गए तो समझो क्वेश्चन काफी हद तक हो गया। ये चीज एक बार और बता देता हूं मैं समझने के लिए, देखिए दोबारा एक बार समझ लो आप, देखो 1/x पार्ट एक घंटे में टैप 1 ले रहा है, 1/y पार्ट टैप 2 ले रहा है, मिलके दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ये तो आपका मिलके हो गया। और साथ साथ उसने क्वेश्चन के अंदर भी दिया है कि मिलके ये 75/8 पार्ट में फिनिश करते हैं तो एक घंटे में कितना क्या हो गया, 1/75/8 यानी कि 8/75, ये भी बात दे रखी है, तो यानी कि ये जो बात है वो इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी कि नहीं, ये चीज हमें पकड़नी थी इसमें। अब क्या करना है, आप किसी एक की वैल्यू इसमें फिल कर दीजिए इस वाली इक्वेशन से, मैं क्या करता हूँ एक्स की वैल्यू फिल कर देता हूँ, दिस इंप्लाइज अगर आप एक्स की वैल्यू देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस वाई हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है आप यहाँ फिल कर दो, ये जो एक्स की वैल्यू है ये वैल्यू आप ये यहाँ पर फिल कर दीजिए, तो अगर यहाँ पर हम फिल कर देते हैं तो ये हो जाता है 10 प्लस वाई प्लस 1/y इक्वल्स टू 8/75, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ साथ साथ, कई बार क्या होता है बच्चा यहाँ पर तो हमने x की वैल्यू फिल करी, अगर y की करी होती तो x माइनस 10 बनी होती, तो यहाँ पर x माइनस 10 बन जाएगा, तो उस केस में जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो अलग बनेगी, ठीक है। और उस केस में आपका जो टाइम निकल के आएगा पहले वो टैप 1 का निकल के आएगा, अब इस केस में वाई टाइम निकलेगा यानी कि टैप 2 का टाइम निकल के आएगा, ठीक है। अब चलिए इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करते हैं, तो सबसे पहले तो वाई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बनेगा आपका क्या नाम है 10 प्लस वाई, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर करेंगे तो 75 की मल्टीप्लाई आएगी, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर 8 के साथ मल्टीप्लाई आएगी, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी बन रही है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है हमें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है अब इसको हम सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे, तो चलिए बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 75 2y प्लस 10 8, तो 8 का 80 हो जाएगा 80y प्लस 8y स्क्वायर। अच्छा 75 की करेंगे तो ये हो जाएगा 150y प्लस 750 इक्वल्स टू 80y प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है जी। तो अभी एक काम करते हैं 8y स्क्वायर पहले लिखते हैं चलो, और फिर आपका 80y लिख दिया, फिर माइनस के 150 हो गया और माइनस के 750, अभी सिंप्लीफाई हो सकता है ये, तो इसको पहले काट लो, अगर कुछ कट सकता है तो काट लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 40y माइनस 75y और माइनस आपका ये कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए इसको क्या आ रहा है आपका 4y स्क्वायर प्लस इसमें देखें तो 40 कम हो रहा है भाई तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 35y माइनस के 375 इक्वल्स टू 0। अब देखो 375 इंटू 4 करो पहले कितना ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 1500। अब 1500 के टुकड़े ऐसे करो कि 35 बने, बताइए क्या हो सकता है। ये मिडिल टर्म हमारे आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस के 60y और प्लस के 25y माइनस 375,
60 और 25 हमारा आ गया, ठीक है। तो क्या कॉमन आ सकता है देख लेते हैं, इसमें हम इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आएगा, देखो क्या 4 आएगा कुछ और आएगा, तो 4 कॉमन लेते हैं हम, तो हमारा 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4y y माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 15 और यहाँ से 25 आ जाएगा। अगर 25 लेते हैं तो ये बनेगा आपका y माइनस 15, तो हमारा बन जाएगा 4y प्लस 25 और y माइनस 15। तो दो वैल्यूज आ गई y की, एक तो आ गई आपकी 15 और एक नेगेटिव में आ रही है। अब जैसे कि आप जानते हैं टाइम नेगेटिव में भी नहीं हो सकता, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली सेल्फ अंडरस्टूड वाली चीज़ें हैं, तो ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, ये कट है, ये नेगलेक्टेड। तो जो टैप आपका जो बड़ा टैप है, बड़ा टैप है ये कितने में ले रहा है आपका, 15 घंटे में, वाई निकला है ना, टैप टू मतलब वाई, तो 15 घंटे में हमारा, तो टैप टू टाइम, टैप टू या फिर लार्जर डायमीटर, लार्जर डाया वाला हमारा लेता है 15 आवर्स, तो स्मॉलर कितना होगा टैप वन, सीधी सी बात है 25 होगा, टैप वन जो स्मॉल डायमीटर है, स्मॉलर डाया वाला, ये आपका आ जाएगा 25 आवर्स। तो फाइनल आंसर है, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है।